कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा कमाल का एक कूलर बनाने वाले हैं। ये जो कि दोस्तों कूलर एकदम रियल कूलर के जैसे लगेगा और दोस्तों ये एकदम रियल कूलर के जैसे काम भी करेगा। इसमें दोस्तों हमने एक वाटर पंप का यूज किया है, जो कि दोस्तों इस वाटर पंप का यूज करने से काफी ज्यादा ठंडा ठंडा हवा आता है, काफी ज्यादा मजा आ जाता है। और दोस्तों ये जो हमारा कूलर है, ये काफी ज्यादा तेजी तरीके से चलता है, काफी ज्यादा दूर तक इसका जो है हवा जाता है। आप लोग भी दोस्तों इसको इजी तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं। इसको दोस्तों कोई भी बना लेगा इजीली अपने घर पर। और दोस्तों इस कूलर के बना करके आप लगभग दोस्तों 4 से 5 हजार रुपए इजी तरीके से बचा सकते हैं। तो इसको दोस्तों किस तरीके से बनाना है आप लोग बस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक से नए प्रोजेक्ट वाले वीडियो लाते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। गाइस वर्किंग टेल पर आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है एक खाली टीन क्रशर, जो कि दोस्तों इसमें तेल भरा रहता है। तो इसको मैं काट करके अलग कर लिया हूँ। और इसके आगे देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर का जो ढक्कन होता है, इसको भी मैं दोस्तों पूरे अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया हूँ। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसको देना होगा एक कूलर वाला लुक। कूलर वाला लुक देने के लिए जो कि दोस्तों हम क्या करेंगे, एक इस तरीके का पंखड़ी ले यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये 175 डीसी मोटर है, जो कि दोस्तों आपको ये इजिली कहीं पर भी मिल जाता है। आप चाहें तो दोस्तों ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं, या तो दोस्तों आप अपने लोकल मार्केट से इसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते ये जो पंखड़ी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पंखड़ी है। और जो कि दोस्तों इसका हवा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये दोस्तों 12 वोल्ट से चल जाता है। तो दोस्तों मैं इसका यूज कर रहा हूँ। इसको हम दोस्तों कुछ इधर की साइड में लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से गाइस इसका हमें चारों ओर से इस तरीके से कटिंग करना होगा, जिससे कि दोस्तों ये जो हमारा फैन रहे इसके अंदर, और दोस्तों ये हमारा फैन चले तो इस टीन में ना लड़े, वरना दोस्तों ये अच्छे से काम नहीं करेगा और टूट जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक कूलर वाला लुक दे देता हूँ यहाँ। ये पूरा कटिंग हो चुका है और देख सकते हैं इसको मैंने कैंची से काटा है। आप चाहे तो इसको ग्लैंडर से काट सके, और भी फिनिशिंग आ जाएगा इसमें। और दोस्तों यहाँ पर मेरा हाथ कट गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें खून भी लग चुका है। तो मैं इससे फेविक्विक की मदद से अपने कटे हुए मांस को चिपका दिया। हम लोग सब दोस्तों जुगाड़ की मदद से चलते हैं। तो ये जो दोस्तों हमारा मोटर दिख रहा है, इसको भी हम जुगाड़ की मदद से कुछ यहाँ पे इस तरीके से लगाने वाले हैं। तो इसको लगाने के लिए गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो मोटर दिख रहा है इसमें हम पीवीसी पाइप को लगा करके कुछ दोस्तों जुगाड़ की मदद से हम इस तरीके से इन चारों ओर लगा देंगे, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर ये जो मोटर है इस तरीके से हिले डुले ना, वरना दोस्तों आप समझ ही सकते हैं क्या भाई ये कुछ इस तरीके से इसमें लड़ेगा। तो मैं इसमें चार वो क्या कहते हैं दोस्तों पीवीसी पाइप लेता हूँ, और दोस्तों चारों पीवीसी पाइपों को इस तरीके से लगा करके यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, जिससे कि दोस्तों ये हिले डुले ना। तो चलिए देख सकते हैं मैं इस मोटर को किस तरीके से फिक्स किया हूँ। काफी ज्यादा दोस्तों आसानी तरीके से फिक्स हो चुका है, और दोस्तों हिल डुल भी नहीं रहा है। आप दोस्तों इसमें पानी डालेंगे फिर भी दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद से गाइस ये है एक घास, जो कि दोस्तों कूलर में लगने वाली घास है। ये इजिली तरीके से दोस्तों मार्केट में 50 से 60 रुपए मिल जाता है। तो दोस्तों मैं इसका यूज करने वाला हूँ। आप दोस्तों नारियल के घास का भी यूज कर सकते हो, उसमें दोस्तों फ्री में हो जाएगा। मैं इस चीज का यूज करने वाला हूँ। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो दोस्तों मोटर है थोड़ा इधर की साइड में लड़ रहा है। तो ये वाला जो दोस्तों पंखड़ी है मैं थोड़ा कटिंग कर लूँगा। आप दोस्तों ध्यान में रख के लगाइए, जो दोस्तों ये लड़ना नीचे पंखड़ी उंखड़ी तो यहाँ पर तो इजी तरीके से लग जाएगा इस साइड में। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पे एक दो तार लगा करके, या तो पीवीसी सीट लगा करके मैं दोस्तों इस चीज़ को लगा लेता हूँ, और आपको लगा करके दिखाता हूँ किस तरीके से लगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं जाल को अलग कर लिया हूँ, और दोस्तों एक जाल को मैं लगा करके देख भी लिया हूँ ये किस तरीके से लग रहा है। अभी दोस्तों क्या करूँगा, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते स्टील को लगाया हूँ। अब दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो पीवीसी पाइप दिख रहा है इसको मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से चिपकाऊंगा, और दोस्तों इसको भी मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से चिपका दूंगी। इसको दोस्तों हमें खिड़की के जैसे बनाना है, तो मैं इसको खिड़की के जैसे यहाँ पर लगा लेता हूँ, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखने में भी अच्छा लगेगा, और दोस्तों यहाँ का जो पानी है वो बाहर भी नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर खिड़की की तरह बना लेता हूँ। और दोस्तों इस जाली से ये भी रहेगा, अब जितना ज़्यादा इसमें
होल रखेंगे उतना ही तेजी तरीके से ये जो हमारा फैन है वो ये हवा खींचेगा और हमारे पास देता रहेगा हवा। तो मैं क्या करता हूँ इसको जाली की तरह इस पीवीसी पाइप को लगा लेता हूँ और इधर की साइड में देख सकते हैं मैं जाली की तरह लगा लिया हूँ और देखने में भी गाइस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैं जाली की तरह लगा लिया हूँ। अब दोस्तों क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो दोस्तों फैन देख रहे हैं कुछ इसमें लड़ रहा है, तो दोस्तों मैं इधर की साइड में नहीं लगाने वाला हूँ जाली। और दोस्तों इसमें मैं वाटर पंप का भी यूज करने वाला हूँ। आपको दोस्तों वाटर पंप जो है जरूर यूज करना है, वरना दोस्तों आप समझ ही सकते हैं इसमें जो हवा होगा वो गर्म हवा आएगा और ठंडा हवा आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं इसमें गाइस क्या करूंगा, इसमें मैं वाटर पंप का यूज करूंगा और दोस्तों इधर की साइड में मैं जाली जरूर लगाऊंगा। आपको दोस्तों तीनों तरफ जाली लगाना है, बल्कि मैं दोस्तों इसमें दोनों ही तरफ जाली लगा रहा हूँ। इसमें दोस्तों खास बात एक और है जो कि दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए दोस्तों मैं इस वाले टिन कनेस्टर का यूज कर रहा हूँ। इस लास्ट में बताऊंगा ये किस काम का है और दोस्तों ये किस लिए मैं इस टिन कनस्तर का यूज कर रही हूँ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा काम का टिन कनस्तर है, इसलिए मैं दोस्तों मैं इसका यूज कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ इस घर की साइड में भी एक क्या करता हूँ, वो वाला जो दोस्तों घास दिख रहा है इसको मैं दोस्तों इधर की साइड में लगा लेता हूँ और दोस्तों चारों तरफ से हर जगह से मैं इसको तार की मदद से अच्छे से बांध देता हूँ, जो कि दोस्तों ये बाहर की साइड में ना निकले और दोस्तों इधर की साइड में ना लगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा अभी अच्छे तरीके से नहीं बना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं घास को भी लगा लिया हूँ। उसके बाद से गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो कि दोस्तों हमें पानी को निकालने के लिए, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर हम पानी भरेंगे और दोस्तों इसको पानी के हमें ऊपर जाली के ऊपर पहुँचाने के लिए यहाँ पर मैं पाइप को लगा लिया हूँ। और दोस्तों यहाँ से गाइस देख सकते हैं यहाँ से पाइप गया हुआ है और दोस्तों यहाँ से जा करके दोबारा दोस्तों इसी टीन में आ चुका है, जो कि दोस्तों यहाँ से हमारा पानी जाएगा और दोस्तों इसी में गिरता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम दो दो तीन तीन यहाँ पे कटिंग कर देंगे, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर घास दिख रहा है यह हम भीगता रहे। और दोस्तों आगे से हमें बंद करना होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे पीसीस पाइप लेंगे और दोस्तों उसको पतले पतले कटिंग करके यहाँ पर हम लगा देंगे, जिससे कि दोस्तों ये पूरा जाली की तरह बन जाए। और दोस्तों इस साइड में भी हम लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं लगाने वाला नहीं हूँ इस तरीके का घास, यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं घास को लगाऊंगा तो ये जो दोस्तों फैन दिख रहा है ये इसमें लड़ने लगेगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर भी पीवीसी पाइप को लगाऊंगा और दोस्तों आगे भी पीवीसी पाइप को लगाने वाला हूँ। आप दोस्तों आगे पीवीसी पाइप को लगा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप घास को लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों पानी को आगे ऊपर इसके ऊपर बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एक वाटर पंप, जो कि दोस्तों नॉर्मली 50 से 60 रुपये में मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता मोटर है। और दोस्तों इसका जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसका जो प्रेशर, आप भी इसी मोटर का यूज कर सकते हैं या तो आप घर पर बनाए हुए मोटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पाइप को लगा दी हूँ और दोस्तों इस पाइप को मैं इसमें लगा देता हूँ और इसमें लगा लेने के बाद गैस इसको हम इस पानी में ही डाल देंगे। अगर दोस्तों हम इसको पानी में डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये ख़राब नहीं होगा। इसको मैं पानी में डाल करके इसको यहाँ पर चिपका लेता हूँ। ये दोस्तों 3 वोल्ट से चलने वाली है मोटर और दोस्तों ये जो है 12 वोल्ट से, अगर हम दोस्तों इसको 12 वोल्ट देंगे ये ख़राब हो जाएगा। तो क्या करूँगा दोस्तों अभी मैं इसका कनेक्शन करता हूँ और दोस्तों हम आगे की साइड में स्विच को भी लगा लेंगे, जो कि दोस्तों हम स्विच को दबाएं तो ये हमारा मोटर चलने लगे और दोस्तों ये पूरे अच्छे तरीके से काम करने लगे। तो अभी हम दोस्तों इसका कनेक्शन कर लेते हैं और आगे पूरा फाइनली कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। और दोस्तों मैंने इस साइड में जाली और दोस्तों इस साइड में तार का जाल बना करके लगा दिया और दोस्तों मैं इसको ऊपर से नहीं ढकने वाला हूँ, जो कि दोस्तों इसमें पानी डालने के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप दोस्तों इसको आधा ढक सकते हैं, आधा छोड़ सकते हैं, बल्कि दोस्तों मैं इसको पूरा ही छोड़ रहा हूँ, जिससे कि दोस्तों पानी डालने में आसानी हो। और दोस्तों यहाँ पे चलाने के लिए मैं पावर बैंक का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग इसको इसमें बैटरी को लगा सकते हैं बाहर की साइड से और दोस्तों आप इसको बाहर की साइड से बैटरी का पिन लगा करके दोस्तों चला सकते हैं, बल्कि दोस्तों मैं इसको चार्जर की मदद से चलाने वाला हूँ। मैं आपको चला के दिखाऊंगा ये किस तरीके से काम करता है। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हवा देता है, जैसे कि दोस्तों इसमें हमारे घास लगे हुए हैं और दोस्तों यहाँ से वाटर पंप भी लगा हुआ है, जो कि दोस्तों और भी ठंडा हवा कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस चार्जर को लगाता हूँ अपने बोर्ड में, फिर इसको मैं चलाता हूँ यहाँ से, पहले लगा देता हूँ। ओ भाई तो भाई लोगों यहाँ पर गैस यहाँ ये चल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको मैं चल ये देख सकते हैं ये गैस चल रहा है और आपको दिख भी रहा होगा किस तरीके से कितना तेजी तरीके से चल रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ गैस अब इस पावर बैंक वाले को मैं लगाता हूँ इसमें। दोस्तों अब पानी आना भी स्टार्ट हो चुका है, इसका मैं दोस्तों एक बार पाइप ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए गैस, ओह यहाँ पर गैस देख सकते हैं पानी आ रहा है। अब मैं इसको अंदर रख देता हूँ
आपको दोस्तों यहाँ पे ये और दोस्तों मैं यहाँ चारों तरफ से काट दिया हूँ, जो कि दोस्तों इस घास के ऊपर पानी गिरता है और दोस्तों ये जो हमारा घास गीला हो जाएगा तो और भी ठंडा हवा आएगा। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को चीज उड़ा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पन्नी, ओहो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं काफी ज्यादा ठंडा हवा आ रहा है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इस पन्नी को किस तरीके से ये उड़ा रहा है। अभी मैं दोस्तों इसको अपने साइड में कर लेता हूँ जरा सा, तो देखते हैं क्या है। इसको यहाँ पर गाइस देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मेरे बाउल है दोस्तों, ये अच्छे से यहाँ पर गाइस अभी मैं दिखाता हूँ ये कितने दूर तक ये काम करेगा। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं काफी दूर तक दोस्तों इसका जो हवा है काफी ज्यादा दूर तक जा रहा है इसका हवा, और दोस्तों काफी ज्यादा ठंडा हवा आ रहा है यहाँ से। दोस्तों आप लोग इस बटन से यहाँ पे बंद कर भी सकते हैं और दोस्तों इससे इस तरीके से चला भी सकते हैं। ये दोस्तों एक देसी जुगाड़ है, इसको कोई भी बना सकता है इजी तरीके से अपने घर पर, और इसको बना करके दोस्तों काफी ज्यादा मजे ले सकते हैं ठंडे ठंडे हवा का। इसमें खास बात दोस्तों ये है कि इसको दोस्तों हमें कलर नहीं करना पड़ेगा, और दोस्तों ये 12 वोल्ट की बैटरी से चल जाती है। यहाँ पर ओहो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस पन्नी को यहाँ पर उड़ा दिया इसने और काफी ज्यादा मस्त सा हवा आ रहा है। यहाँ पर गाइस काफी ज्यादा ठंडा आ रहा है हवा, आप लोग इसको इजी तरीके से बना सकते हैं अपने घर पर। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स से नए नए प्रोजेक्ट वाले वीडियो लाते रहता हूँ। अगली वीडियो में दोस्तों काफी ज्यादा एक कमाल का वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि दोस्तों अगली वीडियो में काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।